हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में ले आए हैं आपके लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर का सेकंड चैप्टर जो है इंडियन पेंटिंग्स के बारे में, उसका पार्ट 3। ओके, पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कशन किया है पेंटिंग्स का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, म्यूरल पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, और पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कशन किया डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट, आर्ट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, मॉडर्न आर्ट के बारे में। ओके, तो चलिए हम लोग अब डिस्कशन करते हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिफरेंट फोक पेंटिंग्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। बंगाल स्कूल ऑफ स्कूल इज सपोज टू हैव ए रिएक्शनरी अप्रोच टू द एग्जिस्टिंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स इन द 1940। तो ये बंगाल स्कूल ऑफ जो आर्ट जो है, जब रिएक्शनरी अप्रोच के हिसाब से आया था, जो कि प्रतिक्रियावादी था। किसके प्रतिक्रियावादी था? एग्जिस्टिंग स्टाइल जो कि पहले से चले आ रहा था, जो कि ज़्यादातर वेस्टर्न स्टाइल से प्रभावित हुआ था। तो ये है 1942-1960 के बीच में दिखाई दिया था। द स्कूल इज यूनिक एज दे यूज सिंपल कलर्स। तो ये स्कूल यूनिक अपने आप में एक जो है अलग था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सिंपल कलर का इस्तेमाल किया जाता था। द आइडिया ऑफ द बंगाल स्कूल कैम अप विद द वर्क्स ऑफ अभिन्द्रनाथ टैगोर। तो ये जो अभिन्द्रनाथ टैगोर के विचार के लिए बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का जो है निर्माण हुआ था। हिज अरबियन नाइट सीरीज मेड ए मार्क ऑन ए ग्लोबल स्केल एज इट ब्रॉट समथिंग न्यू। तो उनका जो अरबियन नाइट सीरीज आ रहा था उस टाइम में, तो उसमें जो उन्होंने जो भी काम किए थे, चित्रण किए थे, वो जो कि विश्व क्षेत्र में, वैसे विश्व क्षेत्र में हमारे जो कल आर्ट को एक नई दिशा दी थी। ओके, ही ट्राई टू इनकॉर्पोरेट स्वदेशी वैल्यूज इन इंडिया आर्ट एंड इंडियन आर्ट एंड ट्राई टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न आर्ट स्टाइल्स। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, वो उनकी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्वदेशी वैल्यूज का इस्तेमाल हो, और जो वेस्टर्न स्टाइल के जो हम लोग ज़्यादा प्रभावित थे, उसको थोड़ा इस्तेमाल जो कम है। ओके, ही इज नॉन फॉर हिज पेंटिंग भारत माता एंड वेरियस मुगल पेंटिंग्स, मुगल थीम पेंटिंग्स। तो उन्होंने जो है वो किस लिए जाने जाते हैं, उनकी जो फेमस पेंटिंग है जो भारत माता और मुगल थीम्ड पेंटिंग्स के लिए, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, यहाँ पर हम लोग भारत माता पेंटिंग जो है देख सकते हैं। ओके, द अदर नोटेबल आर्टिस्ट ऑफ स्कूल इज नंदलाल बोस, हुज वर्क्स लेड टू द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। तो जो स्कूल का जो आरंभ जो है अभिन्द्रनाथ टैगोर के विचार से हुआ था, और इसको जो नई दिशा दी थी मॉडर्न आर्ट की, आर्ट की तरफ जो नई दिशा थी दी थी, उनका नाम है नंदलाल बोस। ओके, ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद शांति निकेतन। जो ये जो है शांति निकेतन से जुड़े हुए थे। ही इज नॉन फॉर हिज व्हाइट एंड ब्लैक गांधी स्केच। वो जो फेमस थे, उनके जो जो यूनिक उनका जो चित्रण था, वो व्हाइट एंड ब्लैक गांधी स्केच था। ओके, जो कि 1930 में देखने को मिला था। He was also interested with the task of illuminating the original document of the Constitution of India. तो वो जो है हमारे जो Constitution जो लिखा गया है, उसको जो हमारे Constitution को जो है सजाने का जो दायित्व जो है उनको दिया गया था। ओके, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ दिस स्कूल वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। इसके इस स्कूल के जो बंगाल स्कूल के जो सब प्रसिद्ध जो और एक जो पेंटर है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हिज पेंटिंग आर यूनिक एज दे यूज डोमिनेंट ब्लैक लाइन्स दैट मेड द सब्जेक्ट लुक वेरी प्रोमिनेंट। तो वो जो है उनका जो ड्राइंग का जो पेंटिंग का स्टाइल जो था, वो बहुत ही अलग था, हटके था, क्योंकि वो जो है उन्होंने जो आर्ट्स में अपना जो है ब्लैक लाइन्स का ज़्यादा यूज किया हुआ था, जो कि बॉर्डर के हिसाब से, और जो कि जिसके लिए वो जो बहुत ही खिला हुआ जो पिक्चर्स जो है बहुत ही खिलकर दिखता था। ओके, ही मेड स्मॉल साइज पेंटिंग्स। तो वो जो है बहुत ही स्मॉल साइज के पेंटिंग्स बनाते थे, छोटे छोटे पेंटिंग्स बनाते थे। ही रोट एवरी एवोकेटिव वेरी एवोकेटिव पोएम्स एंड द सेम सेंस ऑफ रिथम कुड बी सीन इन हिज पेंटिंग्स। तो वो उन्होंने जो है बहुत ही जो है आह्वान देने वाला, जो कि एवोकेटिव प्रेरणादायक जो पोएम्स वो लिखते थे, और उसी हिसाब से वो उसका पेंटिंग भी बनाते थे। ओके, अदर फेमस पेंटर ऑफ बंगाल स्कूल आर असित कुमार हल्दर, मनीष मानसी दे, मुकुल दे, हेमन मंजुमदार, सुन्यानी देवी एक्सेट्रा। ओके,
क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग। द क्यूबिस्ट मूवमेंट ऑफ पेंटिंग टू इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द यूरोपियन क्यूबिस्ट मूवमेंट। ये जो क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है ये क्यूबिस्ट मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था और जो कि इंस्पायर हुआ था यूरोपियन क्यूबिस्ट मूवमेंट से, ओके जो कि प्रभावित ज़्यादा हुआ था। अंडर दिस स्टाइल द ऑब्जेक्ट वर ब्रोकन एनालाइज्ड एंड देन रीअसेंबल्ड। तो इस पेंटिंग में जो क्या होता था, जो भी ऑब्जेक्ट को पहले तोड़ा जाता था उसको फिर उसका निरीक्षण किया जाता था और उसको फिर से बनाया जाता था, ओके। द आर्टिस्ट रिकंस्ट्रक्टेड दिस प्रोसेस ऑन द कैनवास थ्रू द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म। तो इसको जो आर्टिस्ट जो है इसको फिर से जब बनाते थे वो कैनवास में जैसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से इधर से उधर से लेके उसको बनाते थे। दे ट्राई टू अचीव परफेक्ट बैलेंस बिटवीन लाइन एंड कलर। तो वो जो है कोशिश करते थे कि जो कलर और लाइन के बीच में संतुलन बना रहे, ओके। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्यूबिस्ट आर्टिस्ट इन इंडिया वॉज एम एफ हुसैन, हु मेड ए सीरीज ऑफ पेंटिंग्स कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन ऑफ रोमांस। तो हमारे यहाँ पे जो क्यूबिस्ट सबसे फेमस प्रसिद्ध जो क्यूबिस्ट आर्टिस्ट है उनका नाम है एम एफ हुसैन, जो कि हम सब उनको जानते हैं, ओके। उनका जो है जो एक सीरीज आया था जो जिसका नाम था पर्सोनिफिकेशन ऑफ रोमांस, ओके। इन द पेंटिंग्स दैट यूज एब्स्ट्रैक्ट कनोटेशन ही यूज द मोटिव्स ऑफ हर्स फ्रीक्वेंटली एज इन वाज बेस्ट टू डिपिक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ मोशन। तो उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाए थे जो कि एब्स्ट्रैक्ट कनोटेशन था, जो कि जिसमें उन्होंने ज़्यादातर हॉर्स फ्रीक्वेंट जो घोड़े का ज़्यादातर यूज किया था, जो कि फ्लूइडिटी ऑफ मोशन को दर्शाता है, जो कि गति को इम्प्रूवमेंट्स को हमारे जो लाइफ में चल रहा है उसको दर्शाने के लिए उन्होंने ज़्यादातर घोड़े का जो है इस्तेमाल किया था अपने पिक्चर में, ओके। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप। इन 1947 अनदर ग्रुप ऑफ पेंटर्स ग्रेव द अटेंशन ऑफ द आर्ट वर्ल्ड बाय देयर यूज ऑफ प्रोग्रेसिव आर्ट एंड बोल्ड थीम्स। तो 1947 में और एक ग्रुप जो जिन्होंने हमारे जो आर्ट फील्ड में एंट्री किया था, जो कि अपने जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट और बोल्ड जो कि बहुत ही शक्तिशाली जो थीम्स था इनका, जो बहुत ही जो जो सोशल उस टाइम के समय में स्ट्रांग थीम्स लेके वो लोग आए थे, ओके। दे amalgamated दीज थीम्स विथ सॉफ्टर एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट थीम्स। तो उन्होंने जो है मिक्स किया था सॉफ्टर एंड एब्स्ट्रैक्ट थीम्स को लेके मिक्सअप करके जो है चित्र करना आरंभ किया था। द फाउंडर ऑफ दिस ग्रुप वॉज फ्रांसी न्यूटन सोजा, बट द मोर फेमस क्यूबिस्ट पेंटर एस एच राजा, एच ए गड़ा, आरा एक्सेट्रा। तो इनके जो इसके प्रतिष्ठाता जो थे फ्रांसिस न्यूटन सोजा थे, और मगर उससे वो जो प्रतिष्ठाता थे मगर जो फेमस ज़्यादा हुए थे एस एच राजा, एच ए गड़े और आरा, ओके। इवन एम एफ हुसैन वाज ए मेंबर ऑफ द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट ग्रुप के भी जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के एम एफ हुसैन भी एक मेंबर थे, ओके। दे ऑर्गेनाइज देयर फर्स्ट आर्ट एग्जीबिशन इन 1948 एंड वेयर पैट्रोनाइज बाय मुरलीराज आनंद। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने एक एग्जीबिशन आर्ट का एक एग्जीबिशन किया था और ऑर्गेनाइज किया था जिसको कि मुरलीराज आनंद ने जो है इसका जो उसको प्रोत्साहन दिया था, ओके। They have also given opportunities to many talented young painters like Balraj Khanna, B.S. Gatonde, Birende, Akbar Padmasri and Taib Mehta. तो ये जो इन्होंने एग्जीबिशन किया, तो ये जो ग्रुप उन्होंने डेवलप किया था प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप, तो उन्होंने उनके लिए जो है जो यंग पेंटर्स थे उन लोगों को जो है प्रोत्साहन मिला था, ओके। जो कौन कौन थे, बलराज खन्ना, वी एस गौतंडे, बीरेंदे, अकबर पद्मसी एंड तायब मेहता, ओके। नेक्स्ट, फोक पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स।
तो ये जो फोक पेंटिंग जो है लोक चित्रकला है, ओके, जो कि रीजनल जो ये में देखने को मिलता है, ओके। मधुबनी पेंटिंग्स ट्रेडिशनली डन बाय वुमेन ऑफ विलेजेस अराउंड मधुबनी टाउन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिथिला पेंटिंग्स। जो ये मधुबनी पेंटिंग जो है वो जो गांव में जो औरतें होती हैं और वो इसका जो इसको बनाती हैं, जो कि मधुबनी टाउन में देखने को मिलता है, उसका ये ट्रेडिशनली वो लोग बनाते हैं, इसको जो है मिथिला पेंटिंग्स भी बोला जाता है। द आर्ट एक्सटेंड टू एडजॉइंट पार्ट्स ऑफ तेराई रीजन इन नेपाल। तो ये जो आर्ट जो है, ये चित्रकला का जो देखने को मिलता है, ये तेराई रीजन इन नेपाल में भी तक भी देखने को मिलता है। द पेंटिंग्स हैव ए कॉमन थीम एंड आर यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम रिलीजियस मोटिव्स ऑफ हिंदूज इंक्लूडिंग कृष्णा, रामा, दुर्गा, लक्ष्मी एंड शिवा। तो इसमें जो पेंटिंग में जो है, चित्रकला में जो है, कॉमन जो साधारण चीज जो देखने को मिलती है सब में, ये है जो रिलीजियस धार्मिक जो हमारे जो पुराण है उसमें जो गॉडेस हैं, भगवान हैं, उनके बारे में चित्रण किया जाता है, जैसे कि कृष्णा, रामा, दुर्गा, लक्ष्मी और शिवा के बारे में, ओके। द फिगर्स इन द पेंटिंग आर सिंबॉलिक, फॉर एग्जांपल फील्ड स्टेपिंग, गुड लक एंड फर्टिलिटी। तो इसमें जो भी चित्रण किया जाता है ये सिंपल के हिसाब से देखने को मिलता है, जैसे फिश जो होता है हमारे जो अच्छे जिसने गुड लक माना जाता है, और फर्टिलिटी जो है मछली जो है हमारे जो है सौभाग्य के हिसाब से अच्छी जो रूप माना जाता है, और फर्टिलिटी मतलब जो है उपजाऊ जो उन्नति के और जो डेवलपमेंट्स को समझाता है, ओके। नेक्स्ट है द पेंटिंग आर ऑल्सो मेड डेपिक्टिंग ऑस्पिशियस लाइक बर्थ, मैरिज एंड फेस्टिवल्स। तो ये जो है जो जन्म और शादी और जो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे पर्व हैं, डिफरेंट पर्व पर्वाणी हैं, उसके ऊपर भी देखने को मिलता है। फ्लावर्स, ट्रीज, एनिमल्स एक्स्ट्रा आर यूज टू फिल द गैप्स इन द पेंटिंग्स। तो जो भी चित्रण बनाया जाता था, भगवान के चित्रण बनाए थे, बना जाते थे कि कुछ भी विषय वस्तु हो, तो बनाने के बाद जो भी गैप रह जाता था, जो भी खाली स्थान रह जाता था, उसमें वो क्या जाता है, फ्लावर, फूल, पत्ते और पेड़ और जो है जानवर, इनका चित्रण करके इसको गैप को फिलअप किया जाता है इसमें मधुबनी पेंटिंग में, ओके। ट्रेडिशनल दीज वेयर पेंटेड ऑन वॉल्स यूजिंग राइस पेस्ट एंड वेजिटेबल कलर्स ऑन ए बेस ऑफ काउडोंग एंड मड। तो ये जो परंपरागत इसमें है, ये जो है दीवारों में किया जाता है, या फिर जो है फ्लोर में अगर बेस में किया जाए तो काउडोंग और मड से इसको पहले लिपा पोती करते हैं, और उसके ऊपर जो है राइस का पेस्ट और वेजिटेबल कलर से इसका चित्रण किया जाता है, ओके। लेटर पेपर क्लॉथेस एंड कैनवास स्टील द नेचुरल कलर्स वर यूज। तो उसके पहले तो ये जो बेस में या वॉल में किया जाता था, और बाद में जो है पेपर में, क्लॉथस में और कैनवास में ये करना शुरू स्टार्ट किया गया है, और अभी भी जिस इसमें जो है नेचुरल कलर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, ओके। नेक्स्ट, सिंस देयर इज नो शेडिंग द पेंटिंग आर टू डायमेंशनल, सम ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ दिस पेंटिंग्स इंक्लूड डबल लाइन बॉर्डर, ब्लड यूज ऑफ बोल्ड यूज ऑफ कलर्स, ऑर्नेट फ्लोरल पैटर्न्स एंड एक्सेंटेड फेशियल फीचर्स। तो इसमें जो है इसका जो इसमें खासियत क्या है, इसमें जो शेडिंग, इसके नो शेडिंग, इसको शेडिंग नहीं है इसमें, और पेंटिंग टू डायमेंशनल है, और इसमें जो है डबल लाइन बॉर्डर दिया जाता है, बोल्ड यूज ऑफ कलर्स का जो है बोल्ड कलर दिया जाता है, और इन फ्लोरल पैटर्न्स एंड एक्सेंटेड फेशियल फीचर्स, ओके। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज बिलीव टू बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रामायण। तो माना जाता है कि ये जो है रामायण के टाइम से चला आ रहा है,
ओके मोस्टली वोमेन है पास्ट ऑन द स्किल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो ये जो है वोमेन जो है अपने जो घर में जो भी होते हैं तो वो अपनी बहू को अपनी बेटी को इसको बता के ऐसे जनरेशन टू जनरेशन इसको पास करते हैं. ओके तो ये जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहा है. सम फेमस आर्टिस्ट ऑफ दिस स्टाइल आर जगदम्बा देवी, बुआ देवी, भाटी दयाल, गंगा देवी एंड सीता देवी. ओके इट हैज बीन गिवन द GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. इसको जो है स्टाइल को जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है. ओके नेक्स्ट पटचित्र, ए ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ ओडिशा. ये जो पटचित्र है ये जो है परंपरागत चित्रकला है ओडिशा का. ओके द नेम कम्स फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड पट व्हिच मीन्स कैनवास क्लॉथ एंड चित्र मीन्स पिक्चर. इसका मीनिंग जो संस्कृत वर्ड में जो है पट का मतलब जो है कैनवास और क्लॉथ है. ओके और इसका जो चित्र मतलब चित्र तो हम लोग मालूम ही है पिक्चर. ओके द पेंटिंग शो ए मिक्स ऑफ क्लासिकल एंड फोक एलिमेंट्स विद ए बायस टुवर्ड्स द लैटर. तो इसमें जो है क्लासिकल और फोक का जो है लोककला का जो मिक्सचर हुआ है देखने को मिलता है. ओके द बेस ऑफ द पेंटिंग इज ट्रीटेड क्लॉथ व्हाइल द कलर्स यूज कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इंक्लूडिंग बर्न्ट कोकोनट शेल्स, हिंगुला, रामराजा एंड लैम्प ब्लैक. ओके तो इसमें जो है इसका जो कलर्स जो है नेचुरल कलर्स ही यूज किया जाता है. नेचुरल कलर्स किससे बनाया जाता है, जो कोकोनट का सेल होता है उसको जलाकर हिंगुला से और रामराजा एंड लैम्प ब्लैक से बनाया जाता है. ओके लैम्प मतलब वो जो लैंटर्न का जो काला होता है. ओके नेक्स्ट नो पेंसिल और चारकोल इज यूज, रादर ब्रश इज यूज टू ड्रॉ द आउटलाइंस इन रेड और येल्लो आफ्टर विच द कलर्स आर फील्ड. तो उसमें जो है पटचित्र में जो है पेंसिल और चारकोल का जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता था. जनरली उसमें जो है वो लोग ब्रश का इस्तेमाल करके उसमें आउटलाइन देते थे और उसमें बाद में जो रेड एंड येल्लो कलर का फील करते थे. द बैकग्राउंड इज डेकोरेटेड विद द फॉयलेज एंड फ्लावर्स एंड द पेंटिंग्स हैव ए इंट्रिकेटली वर्क फ्रेम. तो जो बैकग्राउंड का डेकोरेशन जो होता था वो जो बैकग्राउंड में फूल और पत्ते को डेकोरेट किया जाता था और जो है फ्रेम भी बहुत सुंदर से बनाया जाता था. ओके Once the final lines are drawn, the painting is given a coating of lacquer to give it a glossy finish. तो पहले जब जो final drawing बन जाता था उसके ऊपर जो है वो lacquer का एक coating देते थे जो कि shining देता था. The themes of these paintings are inspired from Jagannatha and Vaishnava cult, sometimes from Shakti and Shiva cult. ओके तो ये जो पेंटिंग जो है ज़्यादातर भगवान के जगन्नाथ के ऊपर ही बनाया गया है और जो है वैष्णव उपासक जो है उन्होंने वैष्णव के ऊपर शक्ति उपासक जो है शक्ति के और शिव उपासक जो है शिव भगवान के ऊपर उन्होंने बनाया है. ओके तो यहाँ पर हम लोग एक पेंटिंग जो देख सकते हैं बहुत सुंदर पेंटिंग जो है जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा का है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ऐसे देखिए फ्रेम बनाया गया है फूल पत्ते का ये जो है बैकग्राउंड दिया गया है. ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो रघुराजपुर जो उड़ीसा में है पटचित्र के लिए जो है फेमस है. ओके दिस पेंटिंग्स डिपिक्ट इमेज दैट आर सिमिलर टू द ओल्ड म्यूरल ऑफ द स्टेट स्पेशली द वंस इन पुरी एंड कर्नाटक. ओके ये जो है ओल्ड म्यूरल के लिए जो है देखने को मिलता है पुरी एंड कर्नाटक जैसे ही इसमें है. ओके पटचित्र ऑन पाम लीव्स आर नॉन एज टाड़ा पट्टचित्र. ये जो हम लोग ने अभी जो भी स्टाइल पढ़ा पट्टचित्र के बारे में अगर उस चित्र को अगर ताड़ा पत्र में बनाया जाए तो उसको पाम लिप्स में बनाया जाए तो उसको ताड़ा पट्टचित्र बोला जाता है. ओके द हार्ड ड्राइड लिप्स ऑफ पाम ट्री आर सीन टुगेदर एज ए कैनवास ऑन व्हिच इमेजेस आर ड्रॉन यूजिंग व्हाइट और ब्लैक लिंक.
तो ये ताड़ा पटचित्र जो है कैसे बनाया जाता है, ये जो है हार्ड लीव्स ऑफ पाम है, उसको पहले क्या करा जाता है, पहले सिलाई किया जाता है, उसके बाद उसमें जो है उसको कैनवास की जैसे सिलाई किया जाता है, उसके बाद उसमें जो है ब्लैक इंक से, व्हाइट और ब्लैक इंक से लिखा जाता है। ओके, ए नंबर ऑफ सुपर इम्पोजिंग लेयर आर ग्लूड टूगेदर एंड सम एरियाज आर लेफ्ट सो दैट देयर आर स्मॉल विंडो लाइक ओपनिंग दैट रिवील सेकेंड इमेज अंडर द फर्स्ट लेयर ऑफ द लीफ। तो बहुत सारे पत्तों को लेयर लेयर करके इसको ग्लू से जो है जॉइंट किया जाता है, और जो है लेफ्ट की तरफ जो है थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, ओपनिंग रखा जाता है, क्योंकि दूसरे जो है इमेज दिखाई दे। ओके, फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर तक का लिप जो है गैप रहता है। ओके, नेक्स्ट पटुआ आर्ट। द आर्ट ऑफ बंगाल पटुआ आर्ट डेट्स अराउंड 1000 ईयर्स। तो ये पटुआ आर्ट जो है बहुत 1000 ईयर्स पुराना है। ओके, स्टार्टेड आउट ए विलेज ट्रेडिशन बाय पेंटर्स टेलिंग मंगल काव्य और अस्पृश्य स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो ये जो है गांव का जो परंपरा के हिसाब से इसका जो चलन शुरू हुआ था, जो कि मंगल काव्य का और जो मंगल काव्य का स्टोरी जो है सुनाने के लिए जिसका इस्तेमाल हुआ था, जो कि मंगल काव्य जो है गॉडेस भगवान जो है देवी देवताओं के बारे में है, उसका इसमें चित्रण किया जाता है। दिस पेंटिंग्स आर डन ऑन पॉट्स और स्क्रोल्स एंड फॉर जनरेशंस द स्क्रोल पेंटर्स और पटुआज हैव बीन गोइंग टू डिफरेंट विलेजेस टू सिंग देयर स्टोरीज इन लिव ऑफ फूड और मनी। तो ये जो है एक जो ड्राइंग है स्क्रोल पेंटर्स है, जो कि पटुआ जो है, तो ये जो है ड्राइंग्स जो है स्क्रोल्स में बनाया जाता था, और जो है पटुआ जो होते थे इसको जनरल पेंटर जो होते थे ये गांव-गांव जाके इसका चित्र दिखा के इसका स्टोरी बताते थे, और जिससे वो लोग अपने जो जीवनी जो पैसा कमाते थे। ओके, ट्रेडिशनल दीज वर पेंटेड ऑन क्लॉथ एंड टोल्ड रिलीजियस स्टोरीज। तो इसको जो है पारंपरिक जो जॉब कह सकते हैं हम जो है के हिसाब से वो लोग इसको इसका व्यवहार करते थे। ओके, टुडे दे आर पेंटेड विथ पोस्टर पेंट्स ऑन शीट्स ऑफ पेपर सोन टुगेदर यूजुअली यूज्ड टू कमेंट फॉर मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट व्हाइल दोज हु कॉल देमसेल्व्स चित्रकर आर फॉर नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनास एंड वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो आजकल जो है इसमें जो है पोस्टर पेंट्स और शीट ऑफ पेपर में इसको बनाया जाता है, और ये जो है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को ज़्यादातर मिलता है, और जो है ये जो है पेंटर्स जो है अपने आप को जो है चित्रकार कहते हैं। ओके, ये जो साउथ और नॉर्थ में दिखाया जाता है, और नॉर्थ जो कि 24 परगनास एंड वीरभूमि डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। कालीघर पेंटिंग ए प्रोडक्ट ऑफ द चेंगीबजी अर्बन सोसाइटी ऑफ कलकत्ता नाउ कोलकाता इन 19th century। कालीघर टेम्पल इज इन देन ब्रिटिश कैपिटल कलकत्ता। ओके, वाटर कलर्स वेर यूज ऑन मिल पेपर यूजिंग ब्रशेज मेड ऑफ काल्फ एंड स्क्वेरल हेयर। तो ये जो पेंटिंग है जो कि प्रोडक्ट ऑफ चेंजिंग अर्बन सोसाइटी, मतलब जब जो है गांव से लोग शहर की तरफ आने लगे, जो कि जब ब्रिटिशर्स ने जो ये जो है कलकत्ता को जो कालीघाट टेम्पल इन देन ब्रिटिश कैपिटल, तो इन जो ब्रिटिश कैपिटल में जब कन्वर्ट किया तब की बात है। वाटर कलर्स वर यूज ऑन मिल पेपर यूजिंग ब्रशेस मेड ऑफ काप एंड स्क्वायरल हेयर। जो ये जो उसमें जो है पानी का वाटर कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था, और किसके ऊपर मिल पेपर के ऊपर किया जाता था, ब्रश का भी इस्तेमाल किया जाता था, और ये जो कलर जो किया जाता था काप और स्क्वायरल के हेयर से किया जाता था। ओके, नेक्स्ट
The painted figures has a plaque-like effect on a neutral background given the shaded contours and articulated movements. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है articulated movement जैसे दिखाई देता है. Originally the painting depicted religious not especially Hindu goddess and goddesses. जो ये जो painting जो है भगवान जो Hindu भगवान जो भगवान देवी देवताओं को जो समर्पित है. Okay. Over time these paintings were used to express social sentiments. पहले जो भगवान के बारे में ही बनाया जाता था बाद में जो है social जो है सामाजिक emotions को दर्शाने के लिए भी बनाया गया था. Okay. Kalihar paintings are considered first of its kind in the country to express subaltern sentiment and addresses customers directly. तो Kalihar painting जो है फर्स्ट जो अपने आप में फर्स्ट है जो कि सबल्टर्न सेंटीमेंट्स को दिखाने के लिए और डायरेक्ट जो है कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए बनाया गया था एड्रेस करने के लिए बनाया गया था. ओके. इन द मोर रिसेंट वर्क्स वन कैन सी चेंजिंग रोल्स ऑफ वुमेन एंड मैन रोमांटिक डिपिक्शंस ऑफ वुमेन एंड सैटिरिकल पेंटिंग्स इंडिकेटिंग द हाइपोक्रेसिस ऑफ न्यूली रिच. तो अभी जो इसका जो चेंज हुआ है जो अभी मैन वोमेन के बारे में इसको बनाया जाता है रोमांटिक डिपिक्शन का इसका विषय वस्तु बन गया है. ओके. और नेक्स्ट सम बिलीव दैट दिस पेंटिंग्स हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश. तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो है ब्रिटिश आर्ट से जो है प्रभावित हुआ है. ओके. व्हाइल द अदर फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड लोकल टेक्निक. तो कुछ जो स्कॉलर कहते हैं कि ये जो है सोशल इशू के ऊपर बनाया गया है और लोकल टेक्निक का इसमें इस्तेमाल किया गया है. प्लेइंग ए रोल इन द स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. ओके. टेक्निक प्लेइंग ए मेजर रोल इन द स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. ओके. द लिगेसी ऑफ पेंटिंग वॉज लॉन्ग इग्नोर्ड बाय स्कॉलर्स हाउएवर इट गेन इम्पोर्टेंस एंड एप्रिसिएशन इन द 20th सेंचुरी. तो इसके जो है ज़्यादा समय तक इसको कोई भी जो है इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था और जो बाद में जो है 20th सेंचुरी में जो है इसको फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन मिला था. ओके. नेक्स्ट पैटकर पेंटिंग प्रैक्टिस बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड. पैटकर पेंटिंग्स और स्कोर पेंटिंग्स आर कंसिडर्ड वन ऑफ द एंशेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग इन द कंट्री. तो ये जो पैटकर पेंटिंग जो है झारखंड में इसको देखने को मिलता है और ये भी जो है स्क्रोल में ही बनाया जाता है और जो ये एंशेंट स्कूल्स का पेंटिंग है बोल के माना जाता है. ओके. This old form of painting has cultural association with Ma Mansa, one of the most popular goddess in tribal household. तो जो गांव में जो देवी होती है तो माँ मनसा जो गांव की देवी है उनके ऊपर ये पेंटिंग जो है ज़्यादातर बनाया गया है. ओके. दिस पेंटिंग आर लिंक्ड टू द सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स इंक्लूडिंग गिविंग आर्म्स एंड होल्डिंग यजनस. The common theme of Patkar paintings is what happens to human life post death. तो इस पेंटिंग में जो है जो लोक जो गांव में जो लोक कला के बारे में इसमें जो है रिलीजियस कस्टम्स है जो धार्मिक प्रथा चली आ रही है गांव में और जो है जो भी रिचुअल्स बन धार्मिक जो रीति मानी जाती है उसके ऊपर पिक्चराइज किया गया है और जो है ज़्यादातर इसमें ये दिखाया गया है कि इंसान जब मर जाता है उसके बाद क्या होता है. ओके. नेक्स्ट ऑल्दो एन एंशियंट आर्ट इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन गिवन द रेट ऑफ इट्स डिक्लाइन. तो ये जो पटकरी पेंटिंग जो है बहुत पुरानी पेंटिंग है चित्रकला है जो कि धीरे धीरे उसका जो ख़त्म होने को आ रहा है एक्सटिंक्शन होने जा रहा है तो इसको अगर हम संरक्षण नहीं देंगे तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट जो है कलमकरी पेंटिंग द नेम कम्स फ्रॉम कलम. इट मीन्स इसका मतलब जो है पेन है और जो कि पेन से ही इसका चित्रण किया जाता है. ओके. द पेन यूज इज मेड ऑफ शार्प पॉइंटेड बम्बो. इस जो पेन इसमें जो पेन जो है वो एक
बांस है, ओके, पॉइंटेड बांस है जो जो जिससे कलर को जो फ्लो कलर के फ्लो को रंग के फ्लो को रेगुलेट किया जाता है और उसको कलर किया जाता है। द बेस इज कॉटन फैब्रिक व्हाइल द कलर्स यूज आर वेजिटेबल डाइज। इसका बेस जो है ये कॉटन फैब्रिक है और इसके ऊपर जो है वेजिटेबल डाइज से कलर का इस्तेमाल किया जाता है। द पेन इज सोक्ड इन ए मिक्सचर ऑफ फर्मेंटेड जिगरी एंड वाटर। इसका जो मिक्सचर जो है वो गुड़ और पानी का मिक्सचर से बनाया जाता है और उसमें जो है बांस को जो है बांस का पेन जो है उसको उसके अंदर सोक किया जाता है और वन बाई वन दीज आर अप्लाइड एंड देन द वेजिटेबल डाइज। तो उसके बाद एक के बाद जो एक को वेजिटेबल डाइज से कलर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। द मेन सेंटर फॉर दिस आर्ट आर श्रीकलहस्ती एंड मछलीपट्टनम ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका जो मेन सेंटर जो है श्रीकलहस्ती और मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। ओके, द आर्टिस्ट इन द फॉर्मर क्रिएट ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग्स। तो इसमें जो इसके जो आर्टिस्ट हैं चित्रकार जो हैं ये लोग ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग्स बनाते हैं, बहुत सुंदर वॉल हैंगिंग्स बनाते हैं। द इमेजेस आर ड्रॉन फ्री हैंड एंड द इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी। तो ये जो ड्राइंग होता है वो फ्री हैंड होता है और ये इसका जो इंस्पिरेशन प्रेरणा जो है हिंदू मैथोलॉजी से ही लिया गया है। ओके, टेक्सटाइल्स विथ हैंडवर्क आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड हेयर। तो इसमें जो क्लॉथ्स बनाए जाते हैं टेक्सटाइल बनाए जाते हैं हैंडवर्क का भी इस हैंडवर्क में भी इस चित्रकला का उपयोग किया जाता है। द आर्टिस्ट इन द लेटर पीरियड यूज डिजाइन लाइक कार्ट व्हील लोटस एनिमल्स एंड इंटरलेसिंग पैटर्न्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। तो पहले जो है खाली माइथोलॉजी रिलेटेड बनाया जाता था, बाद में जो है अभी इसको कार्ट व्हील और लोटस एनिमल्स इंटरलेसिंग पैटर्न्स ऑफ फ्लावर्स इसका भी अभी चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ली पेंटिंग्स। द नेम ऑफ द पेंटिंग कम्स फ्रॉम द ट्राइबल कॉल्ड वर्लीज हु वेर द नेटिव्स ऑफ द गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर। तो ये जो वर्ली पेंटिंग जो है ये आदिवासी जो है गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर में उनके वर्ली नाम के नाम से जाने जाते हैं, उनके नाम से ही ये पेंटिंग भी वर्ली पेंटिंग आया है। द पेंटिंग्स हैव क्लोज रिजेंबलेंस टू द म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। ये जो पेंटिंग जो है ये म्यूरल पेंटिंग जो भीमबेटका के नाम से हमने पहले पढ़ा उसके समान ही है जो कि मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। ओके, दिस रिचुअलिस्टिक पेंटिंग हैव ए सेंट्रल मोटिव ऑफ ए चौकट और चौक व्हिच इज सराउंडेड बाय सीन्स पोर्ट्रेटिंग फिशिंग हंटिंग फार्मिंग डांसेस एनिमल्स ट्रीज एंड फेस्टिवल्स। तो ये जो है पेंटिंग जो है इसमें जो हमको देखने को मिलता है चौखट और चौका और जो कि चारों तरफ घेरे हुए है कौन से सीन्स को है फिशिंग जो हम लोग मछली पकड़ते हैं हंटिंग शिकार करते हैं फार्मिंग जो कृषि काम करते हैं नाच का डांस का और एनिमल्स ट्रीज एंड फेस्टिवल्स के बारे में है। एमंग द गॉडेस पल्लवघट गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी इज ड्रॉन। तो ये जो पल्लवघट जो भगवान है जो कि जो हमारे उन्नति के ऊपर जिनका होता है उपजाऊ के जो भगवान है उनके ऊपर भी बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट। एंड अमंग मेल गॉड्स द स्पिरिट्स दैट हैव टेकन ह्यूमन फॉर्म्स आर रिप्रेजेंटेड। तो इसमें जो भगवान जो मेल भगवान जो है वो जो है इसमें से जो ह्यूमन जैसे ही उनका फॉर्म दिया गया है। ओके, ट्रेडिशनली द पेंटिंग्स आर डन ऑन द वॉल्स यूजिंग ए वेरी बेसिक ग्राफिक्स वोकैबुलरी इंक्लूडिंग ए ट्राइंगल ए सर्किल एंड ए स्क्वायर। तो पहले जो इसका ड्राइंग जो किया जाता था दीवार के ऊपर ही किया जाता था और जिसका जो ग्राफिक जो था जो कि ऐसे सर्किल हम यहाँ पर देख सकते हैं सर्किल बनाया जाता था या फिर ऐसे स्क्वायर से बनाया जाता था और या फिर ट्राइंगल शेप का होता था। ओके, दिस शेप्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर इन सर्किल फ्रॉम सन और मून ट्राइंगल फ्रॉम कॉनिकल शेप ट्रीज और माउंटेन्स एंड स्क्वायर फ्रॉम स्क्वायर सेक्रेट एनक्लोजर और पीस ऑफ लैंड।
तो इसमें जो भी सर्किल, स्क्वायर और ट्रायंगल का जो हम लोगों ने पढ़ा, उसको जो दिया जाता था उसका भी एक अर्थ होता था। जैसे कि सर्किल मतलब जैसे मून और सन जो है सर्किल है, ट्रायंगल जो का शेप जो है पेड़ पौधे जो मानो पहाड़ जो है ट्रायंगल शेप के होते हैं, स्क्वायर मतलब सेक्रेट इंक्लोजर ऑफ पीस ऑफ लैंड। ओके, द बेस इज मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ मॉड ब्रांचेस एंड काउ डंग दैट गिव्स इट ए रेड और के कलर। तो ये जो उसका जो मिक्सचर किससे बनता था, मॉड ब्रांचेस एंड काउ डंग, ओके, जो कि रेड कलर जिससे बन सकता था। ओके, फॉर पेंटिंग ओनली व्हाइट पिगमेंट इज यूज व्हिच इज मेड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गम एंड राइस पाउडर। तो जो पेंटिंग का जो बेस जो होता जो बनाया जाता था, पेंटिंग जो किया जाता था वो ओनली व्हाइट कलर से ही किया जाता था, व्हिच इज मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ गम एंड सर्किल पाउडर, राइस पाउडर। तो जो कि गम से और गोंद से और राइस पाउडर से जो व्हाइट कलर बनाया जाता था। ओके, द वॉल पेंटिंग आर यूजुअली डन फॉर ऑस्पिशियस ओकेजंस लाइक हार्वेस्टिंग एंड वेडिंग। तो ये खास करके जब किसी की शादी होती थी या फिर जब हार्वेस्टिंग होता था, जब जो कृषक का जो है, फार्मर का जो फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, उस टाइम में इसको वॉल में और ये वॉल में चित्रण किया जाता था। ओके, विथ टाइम पॉपुलरिटी हैज रिजल्टेड बीइंग पेंटेड ऑन ए क्लॉथ ऑन ए बेस ऑफ ए रेड और ब्लैक बैकग्राउंड यूजिंग व्हाइट पोस्टर कलर। तो इसका जो है चाहिदा जो है बढ़ने लगा, तो इसको बाद में क्लॉथ में और क्लॉथ में भी बनाया जाने लगा, और जो कि रेड और ब्लैक बैकग्राउंड उसका है और ऊपर जो है व्हाइट कलर का ही पोस्टर कलर यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थंगक्का पेंटिंग्स प्रेजेंटली बिलोंगिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो पेंटिंग्स जो है अभी देखने को कहाँ कहाँ मिलता है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इट वॉज ओरिजिनली यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ रिवरेंस दैट अबोव दैट हाईएस्ट आइडल्स ऑफ बुद्धिज्म। तो ये पहले जो है, ये जो रेफरेंस जो श्रद्धा से शुरू हुआ था बुद्धिज्म के ऊपर, जो भी जो फॉलो करते थे उसके ऊपर उनकी जो श्रद्धा थे, उस श्रद्धा थी उसको दर्शाने के लिए ये पहले स्टार्ट किया था। ट्रेडिशनली मेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड पार्टिकुलरली एथनिक ग्रुप। तो पहले जो स्टार्टिंग में जो है बुद्धिस्ट सन्यासी जो थे वही इसको बनाते थे, और जो कि एथनिक ग्रुप कुछ थे जो जो बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे वही इसको बनाते थे। इट हैज नाउ स्प्रेड टू ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल एंड टू एन एक्सटेंड बीन कमर्शलाइज्ड। तो पहले जो अभी जो है ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया है, और ये जो पॉपुलर भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये कमर्शलाइज भी हो गया है, ये बिजनेस के पर्पज भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। द अर्निंग्स फ्रॉम द पेंटिंग्स आर यूज नॉट ओनली द कीप आर्ट फ्रॉम लाइफ बट ऑल्सो द हेल्प द मनस्ट्रीज। तो ये खाली पेट जो ये करने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए, पेंटिंग का जो पैसा कमाने के लिए ही नहीं किया जाता, ये जो इसमें से जो पैसा आता है बुद्धिस्ट मनुष्य को भी जो बनाने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर पेंटेड ऑन बेस ऑफ कॉटन कैनवास विथ पेंट्स मेड फ्रॉम नेचुरल वेजिटेबल और मिनरल्स डाइज। तो ये कॉटन कैनवास के ऊपर बनाया जाता है, और इसमें भी जो है वेजिटेबल और मिनरल्स का ही कलर इस्तेमाल किया जाता है। द कलर यूज्ड इन दीज पेंटिंग्स हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस। ये जो कलर जो है इसका खुद का अपनी ही पहचान अलग से है। ओके, और इसमें जो है जो कलर का जो भी इस्तेमाल किया जाता है, ये कुछ कुछ को दर्शाता है। जैसे कि रेड स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी ऑफ पैशन। जो रेड कलर जो है, लाल कलर जो है, एक इंसान के जो है तीव्रता जो होती है कुछ करने की, जुनून जो होती है उसका, कितना जुनून है एक चीज़ के ऊपर उसको दर्शाता है। बी इट हेटेड और लव, और जो कि जो घृणा और जो प्यार है उसको भी दर्शाता है। गोल्डन एज
ब्लू इज हेटेड और लव, ब्लू जो कलर है वो हेटेड और लव का है। गोल्डन इज फॉर लाइफ और बर्थ, जो गोल्डन कलर्स में दिया जाता है ये जीवन और जन्म के बारे में है। व्हाइट इज फॉर सेरेनिटी, व्हाइट जो है दया के बारे में है, और जो ब्लैक कलर जो है एंगर के बारे में है, जो क्रोध के बारे में है, और ग्रीन कलर जो है रिप्रेजेंट कॉन्शियसनेस, तो जो कॉन्शियसनेस को दर्शाता है ग्रीन कलर, और येलो कलर जो है कंपैशन, जो सॉरी जो सेरेनिटी जो है जिसके जिस जो है शांति को दर्शाता है, और जो कंपैशन जो है दया के बारे में दया को दर्शाता है। वंस द पेंटिंग इज डन इट इज फ्रेम्ड इन कलरफुल सिल्क बारकोड, अगर पहले पहले इसको बनाते हैं चित्रण करते हैं उसके बाद इसको सिल्क बारकोड में जो फ्रेम किया जाता है। ओके नेक्स्ट, थंगकास कैन बी डिवाइड इंटू थ्री टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर डेपिक्शन एंड मीनिंग। तो ये थंगा का पेंटिंग जो है इसके जो 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 दूसरे दूसरे चीज को दर्शाता है, इसलिए इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ओके द फर्स्ट काइंड शोज द लाइफ ऑफ बुद्ध फ्रॉम बर्थ टू एनलाइटमेंट। तो जो फर्स्ट काइंड जो है ये जो बुद्ध भगवान जी थे उनके जो जन्म और जब तक जो उनको उनका एलाइनमेंट हुआ था उसके बारे में है। द सेकेंड इज मोर एब्स्ट्रैक्ट, इट इज रिप्रेजेंट बुद्धिस्ट बिलीफ ऑफ लाइफ एंड डेथ इंक्लूडिंग व्हील ऑफ लाइफ। तो सेकेंड जो है जो भगवान को बुद्ध को जो फॉलो करते थे और लाइफ और डेथ के बारे में है, जीवन और मरण के बारे में है, जो कि लाइफ सर्कल के बारे में है। ओके जीवन चक्र के बारे में। और थर्ड जो है द काइंड रिप्रेजेंट पेंटिंग दैट आर यूज्ड फॉर ऑफरिंग टू द डेटिज और मेडिटेशन। थर्ड नंबर जो है भगवान को हम लोग जो पूजा करते हैं उसके बारे में और मेडिटेशन ध्यान के बारे में है। ओके मंजूषा पेंटिंग्स, दिस आर्ट फॉर्म बिलोंग्स टू भागलपुर रीजन ऑफ बिहार। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, भागलपुर जो कि बिहार में है। इट इज ऑल्सो नॉन एज अंगिका आर्ट वेयर अंग रेफर्स टू वन ऑफ द महाजनपदस। तो ये जो आर्ट जो है ये अंगिका आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अंग का मतलब है एक महाजनपद है, और जो उसको हम लोग स्टेट के हिसाब से भी जानते हैं। सी स्नेक मोटिव्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेक पेंटिंग। तो इसमें जो है मेनली सांप का जो चित्रण ज्यादातर किया गया है, इसलिए इसको स्नेक पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। दिस पेंटिंग आर एग्जीबिटेड ऑन बॉक्सेस ऑफ जूट एंड पेपर। ये जो चित्रण जो इसका जो किया गया है, ये जो बॉक्स है जूट और पेपर का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर इसका चित्रण ज्यादातर देखने को मिलता है। ओके नेक्स्ट, फॉर पेंटिंग्स इट इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन राजस्थान एंड इज ए स्क्रोल टाइप ऑफ आर्ट। तो ये जो फॉर पेंटिंग जो है ये ज्यादातर राजस्थान में ही देखने को मिलता है, ये भी जो है स्क्रोल आर्ट ही है। ओके इट इज रिलीजियस इन नेचर एंड कंपराइजेस ऑफ ड्रॉइंग्स ऑफ लोकल डेटिज बाबूजी एंड देवनारायण। तो ये जो चित्रकला है ये भी भगवान के ऊपर ही है, और जो कि वहाँ के लोकल भगवान जो है बाबूजी एंड देवनारायण के ऊपर ही चित्रण किया गया है। पेंटेड विद वेजिटेबल कलर्स ऑन ए लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ कॉल्ड फर्ड, दे आर 15 मीटर और 30 फीट लॉन्ग। तो ये भी जो है वेजिटेबल कलर का ही यहाँ पर भी यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, और ये जो है बहुत लंबे कपड़े के ऊपर किया जाता था, जिसका लंबाई जो है 15 फीट से 30 फीट लॉन्ग होता था। ओके द सब्जेक्ट्स हैव लार्ज आइज एंड राउंड फेसेस। इसमें जो भी जिसके बारे में चित्रण किया जाता है वो उनका जो आँखें जो है बड़ी बड़ी आँखें हैं और उनका फेस जो है राउंड फेस है। ओके दे आर पॉम्पस एंड जॉयफुल नैरेटिव एंड सीन्स ऑफ पोसेशन आर कॉमन। तो इसमें जो है बहुत ही जॉयफुल जो चित्र में दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है ड्राइंग चित्र को देख के। चेरियल स्क्रोल पेंटिंग्स इंडिजिनियस टू तेलंगाना स्टेट, इट इज टाइप ऑफ नकाशी आर्ट। तो ये जो पेंटिंग जो स्टार्ट हुआ था जो कि तेलंगाना स्टेट में देखने को मिलता है, और इसको जो है नकाशी आर्ट भी कहा जाता है। द स्क्रोल आर डिपिक्टेड एज ए कंटिन्यूअस स्टोरी लाइक कॉमिक्स और बैलाड बाय द बैलाडियर कम्युनिटी। तो ये भी स्क्रोल आर्ट ही है, और ये जो जो स्टोरी जो है इसमें जो कॉमिक्स के बारे में जो कि बैलाडियर कम्युनिटी से है। ओके द कॉमन थीम्स आर हिंदू एपिक्स एंड पुरानिक स्टोरीज।
तो ये जो है इसमें भी जो स्टोरी जो है थीम जो है हिंदू एपिक्स और पुरानिक स्टोरीज के बारे में है। द आर्टिस्ट यूज स्क्रोल पेंटिंग टू नरेट स्टोरीज अलोंग विथ म्यूजिक एज दे मूव टू डिफरेंट प्लेसेस। तो आर्टिस्ट जो है इसको ड्राइंग करके इसके बारे में स्टोरी बनाते थे और म्यूजिक देके इसको ऐसे घूम घूम के इसके बारे में गाना गा के इसको बताते थे। दे आर ऑफन ह्यूज इन साइज गोइंग अप टू 45 फीट इन हाइट। तो इसका साइज जो होता था 45 फीट हाइट तक हो बनता था। इट हैज बीन अकॉर्डेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस इन 2007। इसको भी जो है GI इंडिकेशन टैग मिला हुआ है 2007 में। ओके, पिथोरा पेंटिंग्स। द पेंटिंग्स आर डन बाय सम ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश एंड इज सेड टू सर्व रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पर्पजेस। ओके, तो ये भी जो ड्राइंग है ये भी जो ट्राइबल एक ट्राइबल कम्युनिटी से है, आदिवासी कम्युनिटी, जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ओके, और ये भी जो है स्पिरिचुअल जो है धार्मिक कथाओं के ऊपर ही बनाया गया है। दे आर पेंटेड इन द वॉल्स ऑफ द हाउसेस टू ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो है घर के दीवारों में बनाया जाता था जिससे कि माना जाता था कि घर में शांति और उन्नति होगी। ओके, नेक्स्ट, दे आर ड्रॉन ऑन स्पेशल फैमिली ओकेजन्स एज ए रिचुअल। तो इसको जो है रीति के हिसाब से, रीति नीति के हिसाब से माना जाता था और घर में कोई पूजा पाठ हो तो उसमें इसको बनाया जाता था, पेंटिंग किया जाता था। डेपिक्शन ऑफ एनिमल्स आर कॉमन स्पेशल हॉर्सेस। तो इसमें जो ज़्यादातर जो चित्रण किया जाता था ज़्यादातर एनिमल्स का ही यूज किया जाता था, जैसे कि घोड़े का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता था। सौरव पेंटिंग ओडिशा। दे आर बाय सौरव ट्राइब ऑफ ओडिशा एंड आर सिमिलर टू वर्ली पेंटिंग्स। ये जो है हमारे ओडिशा का पेंटिंग है। ओके, जो कि सौरव ट्राइब, सौरव आदिवासी के नाम से है और ये वर्ली पेंटिंग्स जैसे ही है। इट इज एसेंशियली वॉल म्यूरल पेंटिंग एंड इज रिचुअलिस्टिक। तो ये जो है वॉल पेंटिंग, वॉल म्यूरल पेंटिंग है जो कि ये भी रिचुअलिस्टिक है, रीति नियमों के हिसाब से ही है। सौरव वॉल पेंटिंग्स आर कॉल्ड इटोलंस और आइकॉन्स एंड आर डेडिकेटेड टू इडिटर द मेन डाइटी ऑफ द सौरव। तो ये जो पेंटिंग्स जो है ये जो उन आदिवासी थे, सौरव आदिवासी, उनकी जो लोकल डेटी जो देवता जो जिनको वो पूजा करते हैं, तो लोकल भगवान जो होते हैं इनका नाम था, जन नाम है इडिटल। तो इनके हिसाब से ये जो नाम पड़ा है जो पेंटिंग्स जो कॉल्ड इटालियंस और इकॉन्स भी बोला जाता है इनको। ओके, तो ये जो है उनके नाम से ही ज़्यादातर पेंटिंग्स बनाया जाता है। द पेंटेड इज डॉन मोस्टली इन व्हाइट व्हाइल द बैकड्रॉप ऑफ पेंटिंग इज रेड और येलो। तो ये पेंटिंग जो बनाया जाता है जो मोस्टली व्हाइट कलर का ही होता है, व्हाइट कलर से ही बनाया जाता है और जो उसका बैक जो होता है, बैकग्राउंड जो होता है ये येलो और रेड हो सकता है। द कलर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स एंड प्लांट्स। इसका भी जो नेचुरल कलर ही होता है जो कि मिनरल्स और प्लांट्स से ही बनाया जाता है। द ह्यूमन शेप्स आर ज्योमेट्रिकल एंड स्टिक लाइक। तो इसमें जो ह्यूमन शेप का जो फिगर बनाया जाता है ये ज्योमेट्रिकल शेप से बनाया जाता है, जैसे कि वर्ली पेंटिंग में हमने सुना वैसे ही। ओके, द डिजाइंस हैव गेन्ड फैशन इन रिसेंट टाइम्स विद द लॉट्स ऑफ टी शर्ट्स, फीमेल क्लॉथिंग फीचर्स और स्टाइल डिजाइंस। ओके, तो अभी जो है इसका जो ज़्यादा प्रचलन होने लगा है, क्योंकि इसको जो है मॉडर्न टाइम की टी शर्ट में, फीमेल क्लॉथिंग में और बनाया जाने लगा है, इसलिए इसको अभी बहुत ही इसको पॉपुलर हो गया है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंडियन पेंटिंग्स का Chapter-2 ख़त्म हो गया यहाँ पर। ओके, हम नेक्स्ट लाएंगे Chapter-3। तो उसके थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर कुछ भी अगर आपको चेंजेस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो आने तक वेट कीजिए। टिल देन, बाय, थैंक यू।